नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ सोनू। छतरपुर जिला के बमीठा थाना अंतर्गत नाबालिग युवती की लाश मिलने से परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए थे। कहते हैं एमपी अजब है और गजब है, लेकिन छतरपुर पुलिस ने इसी कहावत को सही साबित कर दिया। दरअसल बमीठा थाना पुलिस एक युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए भविष्य बताने वाले साधु संतों के दरबार में पहुंच गई। आप सोचने लगे होंगे, लेकिन यह हकीकत है। पिछले महीने ओटापुरवा गांव में 28 तारीख को पुलिस को एक 17 साल की युवती का शव कुएं में मिला था। मृतका युवती के परिजनों ने गांव के तीन लड़कों पर युवती की हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन यह तीनों युवकों की लोकेशन घटना के दिन घटनास्थल पर नहीं मिलने से पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पा रही थी। फिर पुलिस ने भविष्य बताने वाले संत पड़ोखर सरकार की शरण ली। थाने का एसआई अनिल शर्मा ने इनके दरबार में अर्जी लगाई तो पड़ोखर सरकार ने पुलिस को हत्या के खुलासे के लिए कुछ क्यू दिए। इसी क्लू के आधार पर पुलिस ने तीनों लड़कों को छोड़ मृतका के चाचा तीरथ अहिरवार पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासे में दावा किया था कि आरोपी चाचा को भतीजे के चरित्र पर शंका थी, इसलिए उसने गला घोट कर हत्या कर उससे कुएं में फेंक दिया। लेकिन मृतका के परिजनों को पुलिस ने यह कहानी पची नहीं और बमीठा थाना पुलिस इंचार्ज पंकज शर्मा के पास परिजन गए, तब उन्होंने पीड़ित के परिजनों को पड़ोखर सरकार का यह वीडियो दिखा दिया, जो इस हत्याकांड में तीनों युवकों के अलावा किसी चौथे को हत्या के लिए क्लू दे रहे थे। इसी वीडियो के आधार पर पीड़ित परिवार को पुलिस की यह कहानी पची नहीं और एसपी को इस मामले में ज्ञापन देकर थाना पुलिस की इस हरकत की शिकायत थी। तब एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना इंचार्ज पंकज शर्मा को लाइन अटैच कर लिया है और एएसआई अनिल शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की जाँच के आदेश खजुराहो एसडीओपी को दिए हैं। ये वीडियो सामने आया था पंडुखर सरकार के फेसबुक पेज वाला। इस वीडियो में जो एएसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है एसडीपी का। सर, कौन है जो दिख रहे हैं, उनका नाम? ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एएसआई उन बमीठा थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का इस तरह की बाबाओं के चक्कर में फंसना उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है निलंबन के अलावा? प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और प्रदीय कर्तव्यों के साथ वो किया गया है, इस आधार पर निलंबित किया गया है। सर, थाना प्रभारी पे कोई जांच हो सकती है, क्योंकि थाना क्षेत्र का मामला है? थाना प्रभारी को अभी लाइन अटैच किया गया है इस मामले में। पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि देखो हमने अपना पुलिस वाला वहाँ पर भी भेजा था, तो वहाँ पर भी तुम्हारे भाई को ही मुजरिम ठहराया, उसने भी बताया। कौन बता रहे थे ऐसा? ऐसा टीआई साहब बता रहे थे। हाँ, कैसे बता रहे थे? क्या ये बोले, अंदर आ जाओ और आपको कुछ हम दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको ये पांडु सरकार की वीडियो दिखाई थी कि जिसमें उसमें बताया जा रहा है कि जिसका मैं नाम लूँगा वो नहीं है और जिसका नाम नहीं लूँगा उससे सुराग मिलेगा। ये वीडियो दिखाई थी, फिर उसी आधार पर मेरे भाई को जेल भेज दिया और मेरे भाई को जबरदस्ती मार कूट के हेड की टॉर्चर करके और हाँ कहलवा ली और जेल भेज दिया। और उसी दिन उनने तीन लड़कों को छोड़ दिया।